एक दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं उस दिन मेरी गाड़ी से आपकी टक्कर होते होते बच गई थी। जी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अरे सुनिए तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिस दिन आपकी जूती टूट गई थी और मैंने आपको घर ड्रॉप करने की ऑफर भी किया था। जी तो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू कैसे करूँ। आपको जो भी बात करनी है जल्दी कहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली आई वांट योर नंबर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर अब आपने मेरा दोबारा नंबर मांगा ना तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेन कर देंगी, मगर किससे कंप्लेन करेंगी? अपने आप ही से। और अब आप मुझे जाने दें। अरे प्लीज मेरी बात तो सुने। एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरी बात तो सुने। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, आप ही कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ, क्यों? आप जल्दी से घर आ जाए बस। खैरियत तो है ना, क्या बात है? आप ही सब खैरियत है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नायबा मुझे बता दो ना, अम्मी तो ठीक हैं कि नहीं? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज जल्दी आ जाए। अच्छा शुक्र है, आ रही हूँ बस, मैं घर थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज। जी पहचाना मुझे आपने? जी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाभी। सीरियसली मुझे चाय की बहुत ज्यादा तलब हो रही थी। क्या बात है, बहुत थके हुए हो? हाँ बस वो ऑफिस में आजकल कुछ काम सा था। मुझे तो लग रहा है तुम उदास हो, पहले कभी इस तरह नहीं देखा मैंने। हाँ बस भाभी आज मैं फिर से उसी दुकान पे गया। कौन सी दुकान पे? वो सिंड्रेला की तलाश? Exactly, उसी दुकान पे गया था और वो मुझे मिली भी। लेकिन जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ ना तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता और वो फिर चली जाती। चलो भाई हो गया काम। अरे भाभी आप तो जानती हैं मैं कितने सारे लोगों को डील करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बस ये समझ नहीं आता जब वो सामने आती है ऐसा लगता है कोई मेरी बोलने की कुव्वत छीन लेता है, उसकी मासूमियत कुछ बोलने नहीं देती। अच्छा खासा लड़का शायर बन गया। पता है आपको? बस बहुत हो गई तारीफें उस लड़की की। देवर जी ये बताओ कि तुमने उससे फोन नंबर लिया या नहीं? मांगा था मगर उसने दिया ही नहीं और वो चली गई, तो पीछा करते ना उसका। भाभी मुझे इसी बात का तो अफसोस हो रहा है, जब मैं उसके पीछे जाने लगा तो मेरा एक्स बॉस मुझे मिल गया और उससे मिलना पड़ गया और जब तक मैं उससे मिल रहा था वो चली गई। भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मौज करो। थैंक यू,
यार मुझे उससे नंबर मांग लेना चाहिए था, गलती हो गई। हाँ भाई बोलो, आखिर क्या आफत आ गई थी? आप ही, मुझे वो ऐसा लग रहा है वो मेरा पीछा कर रहा था। क्या मतलब, कौन था? आप ही, एक लड़का है। मैं अम्मी की दवा लेने गई थी तो मुझे वहां मिला था, और फिर उसके बाद स्टोर गई तो वहां भी खड़ा हुआ था, और आज आज फिर खड़ा था। क्या कर रहा था, क्या बोला उसने तुम्हें? नहीं, कर तो कुछ नहीं रहा था, बस मुझे रोक के मेरा नंबर मांग रहा था। कितनी हिम्मत, मैंने तुमसे कहा था ना सारे मर्द एक जैसे होते हैं। लड़की देखी नहीं और बस फौरन नंबर मांग लिया, जीप से कहेंगे। नहीं अभी जीप तो नहीं लग रहा था, दिखने में तो बहुत डिसेंट और शरीफ लग रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तुमने मुझे खुद बताया कि वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था, और अब तुम कह रही हो कि वो शरीफ था। मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी, मैंने कौन सा बोला आप लड़ने चली जाए। तुम्हारा तो पता नहीं क्या मसला है, खुद तो तुम कंफ्यूज हो ही और तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। फोन कर दिया मैं भी समझी कि पता नहीं, लग तो वो ठीक रहा था। नहीं रहा, कमबख्त बंद आ रहा है, दो फोन तीन तीन फोन रखकर लोग बैठते हैं, फिर भी ये अच्छा। क्या मसला है भाई, सो क्यों नहीं रही? जी बस वो सोने ही लगी थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप कोई जरूरी कॉल नहीं कर रहे हो तो। देख भाई मैं कोई गप्पे अप्पे तो मारता नहीं, मेरी जरूरी कॉलें होती हैं। बहरहाल बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, क्या बोलना है, ड्रामेबाजी बंद करो, बोलो। वो आपने कहा था कि मैं सोच के जवाब दूंगा, तो आपने क्या सोचा? नहीं कुछ नहीं सोचा मैंने, अभी तो मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूँ, और वो है यशमिया की शादी। भले से आप रश्मि की शादी कर दें, लेकिन उसे इम्तिहान देने की इजाजत दे दें तो मेरी बच्ची खुश हो जाएगी। मैं यशमिया की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। कितनी जल्दी करनी है, इम्तिहान है तो सिर्फ 15 दिन बाद है। अरे मैं भी तो 15 दिन के अंदर अंदर यशमिया की शादी का सोच रहा हूँ। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? हो जाएगा, उसकी तू फिक्र मत कर, तू तैयारी कर। वो लड़का कौन है? देख तू इसकी फिक्र मत कर, मैंने सारी बात कर ली है, बस तू शादी की तैयारी कर। और हाँ वो अपनी बेटी को भी समझा दे कि भाई 15 दिन के बाद उसकी शादी है, उसके बाद जितना जी चाहे पड़े, हम कौन होते रोकने वाले। लेकिन आप मुझे बताएं तो लड़का कौन है और क्या करता है? अरे भाई मैंने देखभाल लिया है, मैं मुतमईन हूँ, आखिर मैं उसका बाप हूँ। बाप? मैं भी तो उसकी माँ हूँ, मुझे भी तो पता चले मेरी बच्ची की शादी किससे हो रही है। खालिद भाई से, और किन से? अरे जबान दे दी है मैंने, बात पक्की कर दी है। यानी यशमिया की शादी खालिद भाई से? हाँ यशमिया की शादी खालिद से मैंने पक्की कर दी है। मगर वो तो पहले से शादीशुदा है। तो क्या हुआ, आदमी चार चार शादियां कर सकता है। मगर उसकी उम्र भी तो। देख अगर मगर मत कर, समझ गई, जो मैंने फैसला कर लिया है वो ही होगा, और बस मैं फिरूंगा नहीं इससे। ये बात तू भी समझ ले और अपनी बेटी को भी समझा दे। देख सकीना मैं उसका बाप हूं, गलत नहीं करूंगा। खालिद की इतनी ज्यादा जायदाद है, प्लॉट बंगले पैसे, वारिस कोई नहीं।
बीवी से बनती नहीं। अरे यशमिया से शादी हो जाएगी तो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। सोच, तेरी बेटी राज करेगी राज, और फिर हमारे हालात भी तो अच्छे हो जाएंगे। अरे कब तक किराए के मकान में रहते रहेंगे? अगर आप भी तो सोचें, ये बेजोड़ शादी है, मेरी बच्ची अभी सिर्फ 20 साल की है और खालिद की उम्र बहुत ज्यादा है। अरे बेअकल औरत, उम्र से क्या होता है? और वैसे भी वो ऐसा कितना बड़ा है? कोई होगा कोई 32-35 का? और जब पैसा होता है ना तो बुढ़ा भी जवान लगने लगता है। वैसे भी शक्लो सूरत का अच्छा है, और क्या चाहिए? यानी मेरी बच्ची को सौतन को झेलना पड़ेगा? अरे मेरी बच्ची बहुत छोटी है, सोचे जरा। चुप, सोचने वोचने का वक्त गुजर गया, जो मैंने फैसला कर लिया है बस। हाँ अबे भाई, मैं आपको ही तो कह रहा था भाई, दौलतमंद हो गए, दो दो फोन रखे हुए और कोई काम नहीं कर रहा। रहम डाल इस शख्स के दिल में मेरी बच्चियों के लिए, अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। हाँ जफर, सुनाओ वो बात, वो जो हमारी थी, वो घर में बात कर ली तुमने? जी कर ली, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा किया हुआ फैसला आखिरी फैसला होता। अरे क्या बात है जफर यार, तुम्हारा तो बड़ा टेका है, बड़ी जलती है घर में तुम्हारी भाई है? अरे खालिद भाई, औरत को हमेशा उसकी जगह रखना चाहिए, फिर आपकी ही घर पर चलेगी। हाँ यार, तू कहता तो ठीक है, चलो मुझे बता क्या करना है। जैसा आपका है। ठीक है, फिर मैं सोच रहा था कि अगले जुमे को निकाह रख लेते हैं। और ऐसा है कि यार, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ समझ रहा हूँ खालिद भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। हाँ तो बस ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि अगले जुम्मे को मैं कुछ अपने दोस्त साथ में ले आऊंगा निकाह के लिए, रात में रुखसती हो जाएगी। वैसे तुम्हें कुछ पैसों में से खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, इंतजाम इंतजाम सारा मैं खुद ही कर लूंगा। अगली बात समझ में है? जैसा हुक्म खालिद भाई। हाँ बस ठीक है। सलाम अलैकुम मम्मी। अम्मी। जी बेटा। अम्मी क्या हुआ है आपको? कुछ कुछ नहीं बेटा। रोई है ना? नहीं तो। आपको पता है कि आंखें मुझे सब कुछ बता देती हैं। क्या? पूरी रात सोई नहीं है ना? रोई भी थी ना? चलो अच्छा है, मेरी आंखों की जुबान तो सब पूछती हो। तो क्या बात है, मुझे बताइए क्या हुआ? अम्मी मैंने आज तक आपको इतना उदास नहीं देखा, रोई तो मत, मुझे बताएं क्या बात है, बताएं अम्मी। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी जान मुझे माफ कर दो। अम्मी किस चीज की माफी, क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी बेटा। अम्मी अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? ए बच्चे, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी तय कर दी है, कुछ ही दिनों में दोबारा निकाह है। शादी तय कर दी? निकाह? हाँ हाँ भाई, इंतजाम कर लूंगा यार। अरे कर लूंगा ना इंतजाम यार। हाँ तुम फिक्र मत करो, तुम बस तैयारी करो। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, चल मैं रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, आजकल बड़े मूड में नजर आते हो, हंसते भी हो। तुमसे मतलब?
हैं? क्या मतलब तुम्हारा? ये हर वक्त मेरी जासूसी क्यों करती रहती हो? मैं जासूसी कब करूं? तुम्हारी हरकतें तो खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। ओ मेरा दिमाग खराब मत करो यार, थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून से रहने दिया करो। अच्छा वैसे किस चीज के इंतजामात की बात कर रहे थे? देखो ये मेरे फोन पे कान मत लगाया करो, समझी? सीरियस क्यों हो रहे? चोर की दाढ़ी में तिनका। यार तुमसे तो बात करना है फजूल है, मैं जा रहा हूँ सोने, तू जासूसी करती रहे, ठीक है ना? बैठी रहे यहाँ पर, बातें करती है। अरे फूहड़ औरत, अगर बाहर खाना खाना होता तो मैंने तुम्हें क्यों रखा है? क्या मतलब है रखा क्यों है? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अबे नौकरानी नहीं हो तो ठीक है, लेकिन तुम कैसी जाहिल और फौड़ औरतों को जो है ना मर्द जो है ना वो दूसरी शादी कर लेते हैं उनके शोहर। ओहो बड़ा दिल चाह रहा है दूसरी शादी करने का। हाँ तो अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं दूसरी शादी करूंगा, तुमसे पूछूंगा नहीं मैं। हाँ जाओ करो दूसरी शादी, बहुत दिल चाह रहा है तो। मैं आज ही बाबा को फोन करके बताती हूँ कि आपके दामाद जी का बड़ा दिल चाह रहा है दूसरी शादी करने का। आज ही बाबा को फोन कर, ले मेरी 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 टेलीफोन से फोन कर अपने बाप से, तुम्हारे अब्बा से मैं डरता नहीं हूँ, समझी? क्या हुआ भाभी, आपका मूड क्यों खराब है? सुबह सुबह दूसरी शादी की धमकी देकर गए। भाभी खैर तो है ना? अरे शहजा जरा सा पराठा जल गया था, जल्दी जल्दी का शोर मचा रहे थे, जल गया। उस पर इतनी सलवातें सुना के गए हैं और जाते जाते दूसरी शादी की धमकी देकर चले गए। अरे भाभी खैर है ना, ऐसे ही कह दिया होगा उन्होंने, दिल पे मत लें आप प्लीज। अच्छा ये बताए नाश्ता किया आपने? नहीं मुझे नहीं करना नाश्ता, तुम करो। खैर आप नाश्ता तो करें। मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, ये ठीक नहीं है। और मेरे ख्वाब, जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी के लिए सोचा है, मैं उनके फैसलों पर कुर्बान नहीं होंगी। मगर बेटा वो फैसला कर चुके हैं। कितने में सौदा किया है आपने मेरा? है? सौदा? तेरा दिमाग खराब हो गया? जी आपने बुलाया? ये खालिद भाई ने जेवर और कपड़े भेजे, कल असर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकाह है।